हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं साक्षी वर्मा और आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सो टुडे वी स्टार्टेड टू डिस्कस हिस्ट्री क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड फॉर आवर जनरल नॉलेज आल्सो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्टेड द सेशन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द एक्सेशन ऑफ अकबर? द फर्स्ट ऑप्शन इज कालानौर, ऑप्शन बी सीकरी, ऑप्शन सी आगरा एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो यू ऑल हैव ओनली 5 सेकेंड टू आंसर, यानी कि आप सबको कितने मिलेंगे, 5 सेकेंड मिलेंगे आंसर करने के लिए। और लास्ट में आप लोग क्या करना, अपना जो स्कोर जो आपका है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका कंपटीशन कितने लोगों से है और आप कितने से आगे हैं और कितने से पीछे हैं। सो प्लीज़ आपका जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो द राइट आंसर इज कालानौर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की थी? हु स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सच गार्डन्स दैट कंटेन्स रनिंग वाटर? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर एंड ऑप्शन डी अकबर। यू हैव ओनली 5 सेकेंड टू आंसर, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? व्हाट वॉज द नेम ऑफ द वर्शिप हॉल बिल्ट बाय अकबर? सो ऑप्शन ए इज इबादत खाना, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी दीवाने खास एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो द राइट ऑप्शन इज इबादत खाना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? हु अमंग द फॉलोइंग रोट द अकबर्स बायोग्राफी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी फैजी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो द राइट आंसर इज अबुल फजल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? इन हूज कोर्ट्स वाज तानसेन द ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज पीरियड? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड ऑप्शन डी अकबर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द राइट आंसर इज अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? विच वॉज बिल्ड बाय अकबर इन मेमोरी ऑफ गुजरात विजय? द ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज बुलंद दरवाजा, ऑप्शन बी सिद्दी बशीर, ऑप्शन सी जामा मस्जिद एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द राइट आंसर इज बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? हु बिल्ट एतमाद उद दौलाज टॉम्ब इन आगरा? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड ऑप्शन डी जहांगीर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द राइट ऑप्शन इज नूरजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि के किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? द वार विद मेवाड़ एंड द ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ इज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ हूज रीजन? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर एंड ऑप्शन डी शाहजहां। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो द राइट आंसर इज जहांगीर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक
के रूप में जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया। द फर्स्ट ऑप्शन इज महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी ए ओ ह्यूम। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट ऑप्शन इज बाल गंगाधर तिलक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? हुज स्टेटमेंट इज पॉलिटिकल फ्रीडम इज द डेथ ऑफ नेशन। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द राइट ऑप्शन इज अरविंद घोष। इफ यू लाइक द क्वेश्चन, अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग? ऑप्शन ए आगा खां, ऑप्शन बी हसन खां, ऑप्शन सी हमीद खां एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द राइट ऑप्शन इज आगा खां। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी मैडम भीखाजी कामा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द राइट ऑप्शन इज मैडम भीखाजी कामा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्परर? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब एंड ऑप्शन डी बाबर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी जहांगीर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? हु इंट्रोड्यूस्ड द पोलो गेम इन इंडिया? ऑप्शन ए मुगलों ने, ऑप्शन बी यूनानियों ने, ऑप्शन सी तुर्की ने एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज तुर्की ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? विच सुल्तान अपोज द इंटरफेरेंस ऑफ द उलेमा इन स्टेट रिलेशंस? ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट तुगलक सुल्तान ऑफ दिल्ली? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी मलिक तुगलक एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? द नेशनल एलमेनेक ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन? ऑप्शन ए शक संवत, ऑप्शन बी विक्रम संवत, ऑप्शन सी कली संवत एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए शक संवत। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर नेम्ड सोम प्रकाश? ऑप्शन ए राममोहन राय, ऑप्शन बी सुरेश चंद बनर्जी, ऑप्शन सी ईश्वर चंद विद्यासागर एंड ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
एंड द राइट ऑप्शन इज ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? हु हैड डायरेक्ट कनेक्शन विद द पूना पैक्ट ऑफ 1932? ऑप्शन ए भारतीय कृषक वर्ग, ऑप्शन बी भारतीय महिलाएं, ऑप्शन सी भारतीय मजदूर वर्ग एंड ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? विद हुम वाज द सैडलर कमीशन रिलेटेड? ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी पुलिस प्रशासन एंड ऑप्शन डी राजस्व प्रशासन। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट आंसर इज शिक्षा, एजुकेशन, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड लिबरेशन डे ऑप्शन ए 1939 में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1944 में एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1939। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ द कर्स ऑफ गॉड? ऑप्शन ए तैमूरलंग, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी चंगेज खां एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी चंगेज खान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू बिल्ड अ कैनल? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी बलवन एंड ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी दौलत खान लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी एंड ऑप्शन डी बहलोल लोदी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? विच सुल्तान रोट हिज ऑटोबायोग्राफी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक एंड ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड 25 क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री एंड फॉर नो योर पोजिशन कमेंट योर स्कोर इन कमेंट बॉक्स एंड इफ यू ऑल लाइक द सेशन प्रेस ऑन लाइक बटन एंड फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल्स फॉर न्यू वीडियोज।